द म्यूज़िक पॉडकास्ट करने का रीज़न एक्चुअली बहुत सारे हैं। पहली चीज़ तो मैंने 20 साल इंडस्ट्री में काम किया, तो मैंने ज़िंदगी में जो भी सीखा है कॉन्वर्सेशन और एक्सपीरियंस से सीखा है। तो मुझे लगा कि बाकी जितने भी लोग इंडस्ट्री में हैं जो आना चाहते हैं उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा जब हम लोगों से बातें करेंगे और उनके एक्सपीरियंस और उनके लाइफ के बारे में जानेंगे। तो हमारा मकसद है कि हम द म्यूज़िक पॉडकास्ट में जो क्रिएटर्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले उन क्रिएटर्स को शोकेस करें। जैसे आप सब जानते हैं कि कंपोज़र होते हैं, सिंगर होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, ये तो जनरली आम जनता जानती है। इसके अलावा भी डीजेस, बैंड्स, जितने भी तरीके के इंजीनियर्स हैं, मिक्स मास्टर इंजीनियर हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, इंडिविजुअल म्यूजिशियंस भी हैं, कुछ बेस्ट गिटार प्लेयर्स हैं, कुछ बेस्ट मैंडोलिन प्लेयर्स हैं, कुछ बेस्ट पियानिस्ट हैं, और ऐसे हर इंस्ट्रूमेंट के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको भी हम शोकेस करें। और साथ में हर एक भाषा के, एसमीज़, बंगाली, गुजराती, हरियाणवी, तमिल, तेलुगु, हर एक भाषा और हर एक रीजन से हम आर्टिस्टों को लेके आए। आर्टिस्ट अलग अलग स्पेशलाइजेशन के भी होते हैं। जैसे कुछ लोग एड जिंगल्स बनाते हैं और वो एड जिंगल्स में ज़्यादा काम करते हैं, कुछ लोग टीवी पे ज़्यादा काम करते हैं, कुछ लोग OTT पे करते हैं। तो ऐसे हर तरीके के आर्टिस्ट को हम शोकेस करना चाहते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री को चलाने वाले, ये तो हो गए क्रिएटर्स। क्रिएटर्स के अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनके कारण ये पूरी म्यूज़िक का इकोसिस्टम चलता है। उसमें लेबल्स हैं, पब्लिशर्स हैं, एसोसिएशंस हैं जो आर्टिस्टों को रिप्रेजेंट करती है या अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रीमिंग कंपनीज हैं। एक्चुअली मैं नाम लेने जाऊंगा तो काफ़ी लोग हैं, बट बोलने का मतलब ये है कि म्यूज़िक इकोसिस्टम को, म्यूज़िक इकोसिस्टम बनाने के लिए जितने भी लोग मेहनत करते हैं उनमें से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो आप लोगों को सिखा सकते हैं, जिनसे हम सवाल पूछ सकते हैं, उन सबको बुलाना चाहते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं फ्री था तो मुझे लगा कि मैं बिज़ी भी हो जाऊँगा थोड़ा सा। सबसे पहले तो जो हमने 10 एपिसोड रिलीज़ किए हैं उन सारे गेस्ट और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। मैं सबके नाम लेना चाहूँगा, सनी MR, शेखर रवजियानी, आशीष कौर, बादशाह, अरिजीत सिंह, जावेद अली, मोनाली ठाकुर, आदित्य देव एंड पायल देव, ऋत्विज एंड राहुल एंड साजिद भाई। आप सारे लोगों को बहुत ही दिल से थैंक यू। अगर आप लोग हेल्प नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, तो शायद हम ये म्यूज़िक पॉडकास्ट चला ही नहीं पाते। रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, हमको बहुत ही कैप्टिव ऑडियंस मिली है, इंटरेक्शन है, तो द रिस्पांस फॉर मी इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन हु हैज़ सीन, लाइक्ड, नॉट लाइक्ड, गिवन अ सजेशंस, एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन विच यू हैव डन, इट्स रियली हेल्पफुल टू अस, थैंक यू। ओह, आगे हम बहुत सारे गेस्ट को देख सकते हैं। हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं अमित त्रिवेदी जी के साथ, पापोन वदा के साथ, हम लोग अंकुर तिवारी के साथ शूट कर चुके हैं जो वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक सुपरवाइजर हैं कंट्री के, अभिजीत सावंत के साथ शूट कर चुके हैं जिनके साथ मेरा 20 साल से रिश्ता है, हम रश्मि विराग उनके साथ शूट कर चुके हैं, हम यूफोरिया डॉक्टर पलाश सेन के साथ शूट कर चुके हैं, आलोक परांदे भी वहाँ थे एंड शूट कर चुके हैं अनुव जैन के साथ, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट म्यूजिकल आर्टिस्ट इन इंडिया अनुव जैन, और वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट मैनेजर फ्रॉम इंडिया आयुष्मान सिन्हा, वो भी थे। हम इन सबके साथ शूट कर चुके हैं और हम फरवरी से कोशिश कर रहे हैं कि हम हफ्ते में 2 बार आपको एपिसोड दिखाएं। हम कोशिश करेंगे कि हम हर कैटेगरी जितने भी लोगों की हमने बात की हम सब तक पहुँचें और सबको आप तक लाएँ। तो ये म्यूज़िक पॉडकास्ट एक्चुअली हमने काफ़ी लोगों के हिसाब से डिज़ाइन किया है। हमारी कोशिश है कि सबसे पहले तो जो म्यूज़िक एस्पायरिंग म्यूजिशियंस है, जो भी लोग एस्पायर कर रहे हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में किसी भी तरीके से ज्वाइन करने के लिए, सिर्फ आर्टिस्ट बनना नहीं, लेबल्स, पब्लिशर्स, इवेंट्स, वेडिंग, लाइव कॉन्सर्ट, किसी भी तरह का काम करना है उनको, रेडियो स्टेशन, TV चैनल्स, उनको म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की थोड़ी सी समझ हो। दूसरा, जो म्यूज़िक इकोसिस्टम है, म्यूज़िक इकोसिस्टम में लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं, बहुत बिजी होते हैं, तो उनको एक दूसरे का पर्सपेक्टिव पता चलेगा। और तीसरा, जो फैंस हैं, जो हार्डकोर फैंस हैं, हर एक आर्टिस्ट के कुछ फैंस होते हैं और जो उनके बारे में कुछ पर्सनल, इम्पॉर्टेंट, डीप, स्पिरिचुअल, ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्वर्सेशन जानना चाहते हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद फैंस भी ना हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े भी ना हो, लेकिन वो अपने आप की, अपनी नॉलेज बढ़ाने की इच्छा रखते हैं और म्यूज़िक इंडस्ट्री को और समझना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है। सच यही है कि कोई सही तरीका नहीं है कोई भी काम करने का। जितने भी गेस्ट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं
और मैं भी हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मैं भी अपना कभी कभी पर्सपेक्टिव देता हूँ। ये हम सबका पर्सपेक्टिव है, ये हम सबकी जर्नी है। आप लोगों की जर्नी भी यूनिक होगी। आप लोगों को ये सारी जर्नी देख के किसी भी चीज़ को ऐसे पत्थर की लकीर नहीं लेना है। एक जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन में लोगों ने क्या किया वो जब आपको पता चलता है, तो आप जब उस सिचुएशन में आओगे आपके लिए वो डील करना ईजी होगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको सीखिए। आपको भी अपनी जर्नी अपने हिसाब से जीनी पड़ेगी और वो हो सकता है बाकी सब की जर्नी से बिल्कुल अलग हो। और आपके मन में जो भी सवाल है, आस्क मी एनीथिंग।